नमस्ते जी सभी को कैसे हैं सब आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये डी आई वाई ट्रेबल फेस मास्क इनको हमने खुद बनाया है और ये कैसे बनाया है चलिए देख लेते हैं इसको भी ये मेरे पास एक गत्ता पड़ा था उससे मैंने लिया है पाँच इंच चौड़ा लिया है मैंने और लंबाई इसकी लगभग एक फुट है बारह इंच के आसपास इसमें से ही मैं इसकी फेस की शेप निकाल लूँगी तो दो इक्वल में गत्ते काट लेती हूँ और ये बिल्कुल घर में जो आपका बेकार सामान पड़ा है उसी से मैंने बनाया है आप देख सकते हैं ऐसे ही थोड़ा सा इसको फेस का सेप दे देंगे हम थोड़ा सा कर्व करते हुए ये किनारे काट देंगे नीचे से थोड़ा जैसे हम ठोडी का सेप दे देंगे और ऊपर से थोड़ा गोलाई करके सिर की सेप दे देंगे इसको जैसे मुखोटे होते हैं उसी तरह का हम इसको बनाएंगे वो आपने टाइटल में और शुरू में देख ही लिया है कि हम इसे किस तरह बनाएंगे कि इसका लुक कैसा होगा और किस तरह बनाना है क्या मैथड है बनाने का गत्ते से कैसे इसमें करवाएगा तो आप देख लें इसको और बहुत इजी है बनाना आप बना सकते हैं बहुत आसानी से घर में एक सजावटी सामान और अगर आप बाज़ार से इसको लेने जाएंगे तो ये आपको काफ़ी महंगा मिलेगा तो इस तरह आप गत्ते को थोड़ा गीला कर लें इससे ना गत्ता सेफ ले लेगा गोलाई सी में जैसे मुखोटा होता है उस तरह की तो ये मैंने एक गोल बोतल ली है और इस पे मैंने इसको ऐसा इसको दबा दिया गीला करके थोड़ा सा और टेप की मदद से मैं इसको इस पर चिपका दूंगी ताकि ये इस पर चिपका रहे और इस बोतल पे दोनों तरफ मैंने इनको चिपका दिया है और अच्छे से टेप लगा दिया और इसको मैं ना कम से कम चार घंटे के लिए सूखने के लिए रख दूँगी अगर आपके पास धूप है तो आप धूप में रख दें नहीं तो आप ऐसे ही सुखा सकते हैं ये देखो मैंने पूरा एक दिन सुखाया है इसको और ये सूख के तैयार हो गया है और अब मैं इसको निकाल लूँगी अब देखो मैं आपको दिखाती हूँ जैसे बिल्कुल सीधे गत्ते थे अब वो मुड़ के थोड़े इस तरफ से गोलाई में आ गए हैं आप देख सकते हैं गोलाई आ गई है इनमें अब जो ये टेप लगी है इसको हम इसी पर ऐसे लगा देंगे और चारों तरफ इसके किनारों पर हम टेप लगाएंगे जो इसमें गत्ते में छेद छेद हैं ताकि उसमें कुछ चिट्टी वगैरह ना घुसे और ये भविष्य में थोड़ा सा हमारा मजबूत बना रहे तो इसलिए हम इस पर टेप से इसको चारों तरफ से कवर कर देंगे और ये कागज़ वाली टेप है जो डॉक्टर टेप भी कहते हैं इसी को नहीं तो ये आर्ट क्राफ्ट की टेप भी आती है तो आप उससे इसको अच्छे से कवर कर सकते हैं मैंने पूरे दोनों ये कवर कर लिए हैं टेप से इस तरह अच्छे से अब हम लेंगे वाल पुट्टी ये मैंने जब मेरे घर में पुताई हुई थी तभी की बची हुई रखी है तो ये वाल पुट्टी मैंने ले ली है इसमें छः से सात चम्मच लिए और इसको मैं थोड़ा सा इसमें फेविकोल डाल लूँगी अब मेरे यहाँ तो ये फेविकोल भी तभी का रखा है जब काम चला था अब क्योंकि जो डब्बे में बचा था वो मैंने रख दिया था एक छोटी डब्बी में करके और थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसका एक पेस्ट बना लूँगी ना ज़्यादा पतला और ना ज़्यादा गाढ़ा जिससे आराम से उस पर गत्ते पर अप्लाई हो जाए वैसा एक पेस्ट बना लिया मैंने देखो इसको मैंने गत्ते पर अच्छे से थोड़ा सा क्योंकि थोड़ी फिनिशिंग भी चाहिए और गत्ते को थोड़ी मजबूती भी चाहिए तो इसलिए मैं इस पर पूरे पे अप्लाई कर दूँगी इसको देख सकते हैं आप और आप पहले आप चम्मच से मोटा मोटा लगा लें फिर थोड़ा सा हाथ की मदद से इसको प्लेन कर दें पूरे सरफेस को तो मैंने इस तरह ये इस पर लगा लिया और ऐसे उंगली की मदद से मैं इसको अच्छे से थोड़ा प्लेन कर दूँगी और जो इसमें लाइनें वगैरह रह जाएंगी ये बाद में ठीक हो जाएंगी आप पूरी वीडियो देखना कि ये कैसे बन के तैयार होता है और मैंने कैसे बनाया है तो ये एक तो मेरा पूरा तैयार हो गया है मतलब वॉल पुट्टी लग के इसके ऊपर और ये ये प्लास्टर ऑफ पेरिस और, और वॉल पुट्टी आपके पास जो भी हो वो आप ले सकते हैं नहीं तो वॉल पुट्टी का एक किलो का पैकेट चालीस रुपये का आता है कोई इतना महंगा भी नहीं आता तो ये मैं सेकंड वाला भी अच्छे से इस पर ये अप्लाई कर दूंगी और इसको भी प्लेन करके देखो ये दोनों मेरे तैयार हो गए हैं और इन्हें सूखने के लिए रख दूंगी मैं कम से कम दो दिन के लिए और ये सूख के तैयार हो गए हैं अब मैं इनको थोड़ा सा रगड़ दूँगी अब इसको ना थर्माइस की क्या बोलते हैं इसको रेगमाल की मदद मतलब से सैंड पेपर या रेगमाल जो भी आप बोलते हैं उसकी मदद मतलब से थोड़ा सा घिस घिस के इसको हम चिकना कर लेंगे फेस का देखो कितना चिकना हो गया जो अधिकतर उठी हुई जो लाइनें वगैरह थी वो सब मैंने रब कर दी हैं और थोड़ा आराम से करें क्योंकि गत्ता ही है कभी टूट जाए और एक सूखे कपड़े से मैं इसको साफ़ कर लूँगी अच्छे से पानी अभी हम इस पर नहीं लगाना है ये पायल वाला भी जो पायल कर रही थी एक वो भी ठीक हो गया अब मैं इसमें ना पीछे टांगने के लिए हमें इस इसमें कुछ चाहिए तो मैं साइडों में इसमें छेद कर रही हूँ इस तरह कोई नुकीली चीज लेके आप छेद कर लें दोनों तरफ तो देखो अब मैं इसमें एक रस्सी डाल दूँगी पतली सी आपके पास अगर तार है तो आप तार डाल दें तार ईडी डल जाएगा मेरे पास तार नहीं था तो ये रस्सी डाल दी मैंने और जो एक्स्ट्रा रस्सी है इससे मैं इनके कान बना दूंगी ये आता है बीस रुपये का पैकेट फेविक लू ये तो इस तरह का इसमें निकलता है जैसे एम सील होती है उस तरह का तो आप इसे अच्छे से दोनों को मिक्स करके और इस पर हम थोड़ी सी डिटेलिंग करेंगे अब इनके आँख मुंह वगैरह बनाएंगे तो वो इस क्ले से बनाएंगे हम तो ये बीस रुपये का एक पैकेट मिलता है मेरे दो पैकेट लगे हैं इसमें तो इतना कोई ज़्यादा बड़ा खर्चा नहीं है इसमें कि आपको ज़्यादा खर्चा है ये कहीं भी आपको मिल जाएंगे तो इस तरह पायल ने थोड़ी सी डिटेलिंग कर दी है आँख मुँह वगैरह बना दिए इनकी ज्वेलरी वगैरह जो भी है ये ग्लू है जिससे हम चिपकाएंगे इसको और ये फेविकोल से भी आराम से चिपक जाते हैं जैसे आप इसके ऊपर थोड़ा सा इस तरह फेविक ग्लू लगाएँ और इसमें है भी नहीं है ख़त्म हो रहा है पायल ने जितना था उतना निकाल दिया बाकी हमने फेविकोल से ही चिपकाया है इसको और ये जैसे डिटेलिंग में मतलब मैंने जो ग्लू मिलाया ना उसकी बत्ती सी बना के इसके ऊपर इस तरह हम कर देंगे ये डिजाइन बना रहे हैं ताकि ये देखने में थोड़े सुंदर लगें और ये आप देख सकते हैं इस तरह डोट डोट करके आप देखिए डिटेलिंग कैसे कर रहे हैं हम इसमें और फिर आगे मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या हो रहा है इसमें और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दिया कीजिए और कमेंट करके बताया कीजिए कि आपको कैसी लगी है तभी तो मुझे पता लगेगा कि मैं सही काम कर रही हूँ या नहीं अब साथ, साथ देखते रहिए कि हम इस पर कैसे डिटेलिंग कर रहे हैं और आप प्लीज़ बताया ज़रूर करें कि आपको कैसी लगी वीडियो ताकि मुझे आगे के लिए मोटिवेशन मिले कि भाई हाँ मैं अच्छा कर रही हूँ या और अच्छा कर सकती हूँ कुछ और आ, मैं किसी एक मतलब पर्टिकुलर एक थीम पे काम नहीं करती मुझे ऐसा लगता है कि रोज़ रोज़ एक ही उस पर क्या करना मेरे घर में जैसा जैसा होता रहता है जो मैं करती रहती हूँ वही मैं आप लोगों को दिखाती हूँ तो इसलिए कोई एक नीच तो है नहीं तो इसलिए मैं जो भी मुझे ठीक लगता है मैं वही कर लेती हूँ अपना बस ये है डेली रूटीन तो शेयर नहीं करती हूँ लेकिन कोशिश करती हूँ कि कुछ अच्छा करने की जो भी करती हूँ बस वही दिखाती हूँ तो ये आँख वगैरह लग गई हैं ये आंटी होगी हैं तैयार बिल्कुल मतलब ये मेल और फीमेल का फेस बनाया है ना तो अब ये हम ये जो अंकल हैं इनको भी तैयार कर लेते हैं देखो ये इनका लिप्स बन गए हैं अब इनकी आईज लगेंगी और इसको जो क्ले हम मिलाते हैं इससे हमें फटाफट काम करना होता है नहीं तो ये थोड़ा टाइट हो जाता है तो इसलिए इसको फटाफट जब भी आप मिलाएं तो फटाफट काम करें इसलिए मैं और पायल दोनों लगे हुए थे इस काम में हम दोनों ने ही हमने जल्दी जल्दी किया है देखो एक चाकू की मदद से आप इसमें ऐसे लाइन कर दें तो सेप आ जाएगी और ये अभी इनका मुकुट मुकुट कह लो आप कुछ भी कह लो इनके सिर पर डिटेलिंग कर रहे हैं इस तरह और कुछ मेहनत नहीं है इसमें हल्की सी बत्ती बत्ती बनाओ और इस तरह लगा दो ये बहुत सुंदर बन के तैयार हुए हैं और एक डेकोरेटिव आइटम बन जाता है आपका मुश्किल से तीस से चालीस रुपये में और मेरा तो इतना हाँ मेरा तीस या चालीस रुपये ही खर्च हुए हैं क्योंकि जो ये क्ले है ये भी मैं एक पैकेट लाई हूँ एक पैकेट रखा था पायल के पास और फेविकोल ये वॉल पुट्टी ये सब मेरे घर में थी और गत्ते का तो कोई पैसा है ही नहीं आपके सबके घर में इतने गत्ते एक्स्ट्रा मिल जाएंगे पड़े हुए जिनसे आप कुछ भी अच्छा बना सकते हैं देखो ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि फेविकोल से भी इसको आराम से चिपका सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है कि फेविक्लू होगी तभी आप चिपका पाएंगे और ये डो ना वॉल पुट्टी का भी बन सकता है अगर आप थोड़ा सा टाइट सा डो बनाएंगे तो वॉल पुट्टी से भी इस पर आप डिटेलिंग कर सकते हैं वॉल पुट्टी भी बहुत जल्दी टाइट हो जाती है तो आप उससे बना के ट्राई करें उससे भी ये आसानी से बन जाएगा ये देखो ये इनका भी पूरा डिटेलिंग होगी है अब इसमें बारी आएगी कलर करने की लेकिन इसे सूखने के लिए रखना पड़ेगा कम से कम आठ से दस घंटे के लिए पूरा सेट हो जाएगा ये पूरे तैयार होकर हमने रख दिए हैं देखो और ये पूरे आठ से दस घंटे में नहीं सुखाऊंगी देखो ये सूख के तैयार हो गए हैं बिल्कुल ओके अब ये जो कलर है ब्लैक इसको मैं पूरे इनके फेस पे पूरे मतलब कहीं भी छोड़ना नहीं है पूरे मास्क पर इस पर अप्लाई कर देंगे ब्लैक कलर अच्छे से एक पे मैं कर रही हूँ और एक पे कर रही है पायल ताकि जल्दी हो जाए और ये जगह जगह अगर आपको कहीं वाइट वाइट स्पॉट दिख रहे हैं तो आप इन्हें भी कवर करें चाहे आपको दो बार करना पड़े देखो ये बिल्कुल तैयार हो गए और अभी फिर हम इसको तीन से चार घंटे के लिए सूखने के लिए रख दिया था ये सूख के तैयार हो गए हैं अब हम इनके जो आँख नाक होट और जो इनके जो हमने डिटेलिंग की थी उस पर कलर करेंगे कलर आप अपनी पसंद का कोई भी कर सकते हैं जो आपको पसंद हो और ये एक कलर जो मेरे हाथ में है ये ट्वेंटी रुपीज़ का आता है मेरे पास तो हैं क्योंकि पायल काम करती है तो इसलिए पायल के बहुत सारे कलर हैं तो मुझे ख़रीदने नहीं पड़े हैं और अम, मतलब जहाँ तक मुझे लगता है सभी के घर में कलर अवेलेबल होंगे क्योंकि सभी के बच्चे स्कूल जाते हैं सभी के बच्चों के पास कलर आसानी से मिल जाएंगे तो इस तरह मैं स्काई ब्लू कलर से इनकी आंखें वगैरह बना दूँगी और बाकी चीज़ें भी मतलब अलग अलग सब चीज़ों पर अलग अलग कलर होगा होटों पर अलग नाक पर अलग तो आप देखिए कैसे कलर हो रहा है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और सब्सक्राइब के बटन के पास एक घंटी का बटन आता है उसको भी दबा देना ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और मेरी वीडियो कैसी लगी है आपको कमेंट करके ज़रूर बताना तो एक पे डिटेलिंग मैं कर रही हूँ मतलब कलर कर रही हूँ डिटेलिंग के ऊपर और एक पे कर रही है पायल ताकि थोड़ा जल्दी हो जाए और ये प्रोजेक्ट हमने माँ बेटियों ने दोनों मिलकर बनाया है आपको कैसा लगा जरूर बताना और ये पूरे हो गए हैं कलर देखो और मैं अब एक पतले वाले ब्रूज में ब्लैक कलर लेके कहीं कहीं अगर अलग कलर लग गया है तो उसको कंप्लीट कर रही हूँ फिनिशिंग कर रही हूँ मतलब एक तरह से अरे देखो मैं आपको इनको दीवार पर हैंग करके भी दिखा रही हूँ कि कैसा लुक इनका आएगा एक दीवार पर इधर हैंग किए थे अब इस वाली दीवार पर हैंग करके दिखाती हूँ तो देख सकते हैं आप पायल इनको हैंग कर रही है देखो कितने ईजी हैंग हो गए इनमें कोई वेट नहीं है एक पतली सी कील पे भी हैंग हो जाएंगे तो आप भी अपने घर में पड़े बेकार सामान से बनाइए सुंदर चीज़ें और अप सजाइए अपने घर को आप इन्हें गार्डन में लगाइए घर में लगाइए सीढ़ियों पर लगाइए जहाँ आपको अच्छा लगे लगाइए मिलती हूँ फिर किसी और वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्ते और बाय बाय